और बोलता है बेटा इंग्लिश में बोलेगा तो डाउन स्ट्रीम। पर हमने विपरीत जाति में कितने नाम होते हैं तुम्हारा बताओ, तेरा कौन कौन सा नाम होते हैं? पिट्टी कूल। दूसरा कौन सा नाम बोलेगा? पिट्टी प्रवा। एक नाम और बोलता है हिंदी का क्या नाम होता है नाम है आपको प्रवा धर, और इंग्लिश में क्या बोलता है बेटा? आप स्त्री। ठीक, तो वो कह जा रहा है पिट्टी कूल जा रहा है, मतलब धारा क्या करेगी उसको रोकेगी, तो बेटा चल तो कम हो जाना चाहिए, क्या करेगी रोकेगी। अब हाँ बताओ कि यहाँ पर समय कितना लग रहा है बेटा, जरा बताओ पिट्टी कूल वाले समय कितना लग रहा है, पढ़ो क्या बोला है, तीन गुना ना, मतलब पहले लग रहा था एक घंटा तो अब कितना घंटा लगेगा, फिर से समझते हैं, पहले क्या लग रहा था एक घंटा तो बेटा अब कितना लगेगा तीन घंटा, तो समय कितना दे रखा है तीन घंटा। क्या दूरी वही है कि बेटा बदल गई? बदल गई दूरी वही है, उसको पढ़ना है इसलिए हिंदी अच्छे समझ में आ गई, वही दूरी कहते हैं जब पृथ्वी कूल जाता है तो तीन गुना समय लगता है, इसका मतलब दूरी तो कितनी है छह, समय कितना है तीन घंटा। हमें क्या नहीं पता है यहाँ पर, यहाँ पर हमको नहीं पता है धारा का बेटा क्या नहीं पता है, वही तुमको निकालना है, तो बेटा बताओ दूरी बराबर क्या होता है चार गुना समय, अब दूरी बताओ तो निकाल, दूरी कितनी है छह, चार कितनी है पता नहीं, चाल कितनी बेटा पता नहीं, यहाँ पर बताओ सात दिन की चाल कितनी है छह, यहाँ पर बेटा क्या है चाल निकालो दूरी बटे समय, तो छह बटे एक मतलब छह किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर चाल तो ये किसकी होगी सात दिन में नाव की चाल, कैसे जा रहा है प्रतिकूल मतलब धारा क्या करे उसको रोक रही है, तो रोक रही मतलब उसकी वेग क्या करती बेटा घटा देगी, तो घटा देगी मतलब क्या हो जाएगा माइनस, अब बोलिए बेटा कितना आएगा ठीक, तीन एकम तीन दूनी ठीक, तो ये आ गया दो बराबर छ माइनस एक्स, क्या बेटा यहाँ पर धारा का वेग, एक्स क्या है यहाँ पर धारा का वेग, तो चलो धारा का वेग बताओ क्या लिखोगे, जो तुम्हारा मन करे तुम्हारा नाम लिखते बताओ, अरे कुछ भी लिखो एक्स में, तो कुछ भी एक्स वाइज है ना, चलो पेन से लिख दो जो मन करे, कन्फ्यूज होते हैं धारा का वेग बराबर छह प्लस का माइनस का छह में दो घटा कितना जाएगा चार किलोमीटर प्रति आया तो नहीं आया, किसी कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कहीं पर कहीं कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लेना है अच्छे से समझ लेना है। किसी को नहीं पूछ रहा कुछ भी, चलो निकलता तेरे वाला क्वेश्चन सबको करके बताएंगे सबके आंसर आने चाहिए। एक व्यक्ति स्थिर पानी में, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है, की गति से नौका चला सकता है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नौका चला सकता है,
उसे पता चलता है, उसे उसे पता चलता है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। मतलब एक व्यक्ति इस तरह से फिर जा रहा बेटा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में उसे क्या पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से कितना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। तदानुसार धारा की गति कितनी है। करो फटाफट सबके अनुमान के लिए। बेटा अब कोई बिना बताए छुट्टी नहीं करेगा, एप्लीकेशन दोगे तभी छुट्टी मिलेगी, वरना जिनको नहीं आना है वो कभी नहीं आएगा, जिसको आना है वो प्रॉपर आएगा वरना वो नहीं आएगा। ठीक, एंट्री थी तो होगी ना, पीछे तो नहीं आना है तो रिटर्न दोगे भाई चाहिए नहीं आना, कारण बताओगे तो सही से लिखोगे, वो आपका ऊपर विभाग में जाएगी एप्लीकेशन कि हम इस काम से नहीं आना, वरना यह है कि एंट्री बंद कराने बच्चे बंद कर दोगे। पानी लाया तो पानी बोतल जाते जाते भूखों ने यही दिया पानी गर्म लग रहा है, गर्म है और बेटा अरे इधर कौन सा वाला पोस्ट है, इतना पुराने पुराने को पोस्ट नहीं होते हैं, अपन उधर देखा करो सीधा तो देखते हो, क्योंकि ये भी देखते हैं तो कर क्या रहे हैं, इतने सबने इतने सरल तरीके से पढ़ाया कुछ पोस्ट नहीं हो रहा, फटाफट होने चाहिए। तीन का इसे बताओ बेटा कैसे, देखो तो ठीक पहले जाएगा तो 14 ठीक बस लग गए घूम कर आए वजन किए नहीं क्या बात, ये मतलब साफ सही 1/2 जाने का हो गया, उसके जब वापस आएंगे तो उसको दूना कर देंगे, 2 समय ये चाल है, ये समय नहीं कि पहले देख ले क्या है, ये बेटा चाल है, घर पे जाके एक बार उठा के पढ़ लिया करो सही से, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीन सही है तो लोग नहीं है यार, कुछ गलत हो रहा है, दो सही है यार, दो सही एक गलत हुआ है, ये लगा दे फिर
आपको पढ़ाया जा रही है, आपको वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो जो नहीं पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? तो सलाह के बारे में सोचो ही, सलाह का तो सा भी नहीं हुआ है, बाकी पूरी स्पेलिंग पड़ी है, जिनको ऐसा लग रहा है हो जाएगा तो खुद पे जाकर पहले देख लेना हो भी जाए, खाली हवा हवा भी चीज़ें सलेक्शन का साथ नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो तो सही नहीं आता है, तो नहीं पढ़ाया जा रहा उसकी तो बातें छोड़ दो। सर ऑप्शन 32 है, 3.2 है, 32 ही लिखा है, देखते हैं अगर 3.2 होगा तो 3.2 मान लो, और आ रहा है तो बेटा इतने इतने शॉर्ट से इतने बढ़िया से हमें तो नहीं लगता, क्योंकि पढ़ाता है यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखती है। 3.2 आ रहा है, चलो 7 घर में कितनी दे रखी है बेटा, अगर बताओ 7.5 मतलब कितना होगा, 15/2 14 और 1 15/2 ठीक। कितना कितना समय लग रहा है, अनुकूल में समय कम लगता है और प्रतिकूल में समय क्या बोला है, कितना समय लगता है, दुगुना समय लगता है जब धारा के विरुद्ध जाता है, प्रतिकूल और धारा के क्या सिखाया था, ऐसे समय का अनुपात दे रखा होगा, ऐसा ऐसा कुछ हो, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपने प्रैक्टिस की थी तो बहुत सारे आंसर। कौन सा वेग निकालना है, छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला, तो क्या लिखेंगे, 15/2 गुणा छोटा करना है, क्या सिखाया थे, प्लस होगा या माइनस होगा, छोटा करना तो प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा, दो में से कितना घटेगा, नीचे कितना होगा, 2+ बस इतना नहीं कर पा रहे, इतना आ जाएगा ये 15/2 गुणा 1/3 तीन से काटे बेटा, 3 5 कितना आ जाएगा, 5/2 सही, 1/2 ऑप्शन नंबर सी। तो कल नहीं मानना था तुम मेरा दुखे मार देते, ऐसा नहीं है, जो पढ़ाया वैसे करो, डायग्राम तुझे बता दिए कि तुम्हें याद आ जाए, बाकी तुम्हें क्या सिखाया था सीधे सीधे, कि अगर धारा जल्दी पूछेगा तो छोटी होगी तो फिर ऊपर माइनस करते नीचे करेंगे प्लस, अगर बाई चांस धारा जल्दी दे रखी हो सामने से पूछता है तो क्या करते हैं, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, अगर आप ये प्रैक्टिस करके हो तो बहुत आसान हो जाता है, भले ही आपसे पढ़ लो अभी मौका है, वरना बाद में यही कहोगे हमें बड़ों ने धोखा दिया, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए जाए है, बाद में फिर आपके यही कहता है धोखा दे दिया तो वरना तो मुड़ जाते। किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, हिस्ट्री तुम्हारी खत्म होगी, पॉलिटी तुम्हारी खत्म, ज्योग्राफी तुम्हारी खत्म हुई है, और क्या था, इकोनॉमिक्स खत्म, कहने का मतलब बहुत खत्म हो चुका है, सिर्फ मैथ को छोड़ के मैथ ही नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा फिर रीडिंग है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है, बहुत कुछ है पढ़ने में, जो कम से कम खत्म होता जा रहा है उसे तो आप खत्म करते रहो, वरना कहीं दिक्कत नहीं हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे,
कितना राम दे कितने लगा लीजिए खाली ये भी तो वैसा ही है सेम तो मैं समय के अनुसार दस कर दिया तुमने समय है जरा सही पढ़ो एक व्यक्ति इस तरह पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तो बेटा वो समय नहीं वो चाल है कि गति से तो कहीं समझ में नहीं आया तो पूछना है बार बार पूरी बार लिखा करो हिंदी में जितना हम लिखते हैं समय लिखना सिखा दो आंसर आ गया तुम चलो कभी घर पर नहीं कर रहा सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है समय जोड़ने हिसाब अपने हिसाब से मैं तो पढ़ी थोड़ा होते पढ़ लीजिए
और आपकी आंतर आने थी खाली यहाँ पर रहते पांच मिनट में आंतर आने थी सांस जल नहीं है ना यात्रा ही ना आई है कौन बातें कर रहा है अभी ज्यादा बातें नहीं कर रही अब शांत हो जाओ देखो एक व्यक्ति सात जल में फोन अपना साइड पे लगा दो एक व्यक्ति सात जल में सात सही एक बटा दो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान से जाकर पुनः वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है 50 मिनट का समय लेता है कितना समय लेता है 50 मिनट का समय लेता है तो स्थान की दूरी कितनी है करो तेजी से पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर समझना है करना क्या है फिर फटाफट आंसर आ जाए हालांकि ये सारे क्वेश्चन तो आपने कराए हैं एक के जैसे दो दिन के क्वेश्चन कराए हैं इसलिए कि आप सीख जाओ पढ़ते जाके रिवीजन करो हमें ऐसा लगता है तुम पढ़ते हो गए हालांकि लगता तो पहले भी नहीं था कह देते बाद काम पता तुम नहीं पढ़ते खाली फोन चलाते हो आया अंदर सवर करें हैं वैसे ही करना है क्वेश्चन कुछ भी हो वैसे ही करना है पढ़ोगे उनका भी छुट्टी मार देंगे इसमें तो तीन दिन है छुट्टी मारो सर करो कुछ चीज़ उन्हें कुछ तो करो अरे डायग्राम तो सहायता करता है अगर डायग्राम याद है तो उसे बनाने मत बनाओ डायग्राम से करो तो तेजी से हो जाता है डायग्राम का फायदा ये रहता है कि आपको चीजें नहीं भी पता है तब भी कर लोगे एक सोचने की क्षमता बढ़ जाती है तेजी से घर पर जाकर पढ़ाई करिए एक मिनट
प्रश्न भी पढ़ी है कितने आ रहा है कितने किलोमीटर तीन जाता इधर देख लो जाता नहीं बात है बीच में क्या था बेटा सात जल में नाव की चाल अनुकूल का मतलब क्या होता है धारा का वेग बेटा क्या होता है बढ़ जाता है और प्रतिकूल में धारा का वेग घट जाता है ठीक ये नाप रहा तब भी पता होता है थोड़ा थोड़ा हालांकि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है जो तो दे रखा है उसे भावा रख दो उसके बाद देखते हैं एक व्यक्ति सात जल में कितने किलोमीटर प्रति घंटा ये कितना लिखा हुआ है 15/2 मतलब कितना होगा 7.5 तो 7.5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7.5 ठीक अच्छा धारा का वेग कितना बेटा नदी का वेग धारा का वेग बात एक होती है 1.5 जब इसको मैं जोड़ दूंगा तो बेटा कौन सी चाल मिल जाएगी मुझे अनुकूल वाली जोड़ दो कितना हो जाएगा 9 और बेटा जब इसको घटा दूंगा तो कौन सी मिल जाएगी प्रतिकूल वाली कितनी आ गई 6 ठीक कि 9 और 6 का क्या लेंगे हम लोग लासा 9 और 6 का लासा कितना आ जाएगा बेटा कितना बोल सकता है 18 9 से काटोगे तो 2 6 से काटोगे तो 3 तो यहां से हम लोग देखें तो हमारी औसत चाल क्या हो जाएगी औसत चाल बराबर 18 बटे बेटा कितना 3 2 5 और औसत चाल क्या होता है कुल दूरी कुल समय दूरी बटे क्या होता है बेटा कुल समय 18/5 कुल दूरी कितनी है चलिए तो निकालनी है पर कुल समय दे रखा है कितने मिनट 50 ये किस में दे रखा है बेटा मिनट में चाल किस में दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में तो भाई मिनट में किसमें बदलना पड़ेगा किलोमीटर घंटा ये कौन सा ये 50 मिनट है घंटा बदलने का और बेटा 60 से भाग करेंगे अब 60 भागों को 60 का पहुंच जाएगा ये तो सिखाइए का थोड़ा थोड़ा ना 0 से 0 बन जाएगा 5 से 5 6 कम 6 6 दिया 18 कितना आ गया 3 किलो वाह भैया अब बताइए सही बताया तो कब ठीक बन गया अरे इतना सिखाया अगर आप खाली ये सब पता है फटाफट मौके काम से मारोगे
अगला क्वेश्चन बोले बेटा, किसी को कहीं पूछना है कुछ भी, कोई डाउट तो पूछ लेना है। हाँ बेटा, 18/5 कहाँ से आया? 2 और 3 बेटा, 5। ठीक, ये समय चलता है इधर 2 और 3 5, तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो 18/5 दो दूरी बटे चलते हैं ना, ये औसत 4। अब औसत चल रहा होगा कुल दूरी बटे कुल समय। अभी सिखाता कुछ एक दे रखा होगा, क्या दे रखा बेटा? 50 मिनट दे रखे हैं, आने और जाने के कुल हो गया 50 मिनट है। पर ये बेटा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट को समझ लोगे घंटा में। किससे भाग करोगे? 60 से, तो वो नीचे होता पर नीचे वाला काम हो जाएगा, ऊपर हम बताया थी कब कैसे कर सकते हैं, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। क्या 0 0 कट गया, 6 3 18 5 5 कट गया। ये सब 9 6 कौन से कैसे इसमें इसको जोड़ो तो 9 हो जाएंगे, इसमें बताओ कुछ क्या प्लस काउंट होता है, जोड़ना माइनस काउंट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो, पूछ लेना कहीं कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा है ना, बड़ा कैसा भी हो। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की 3 घंटे में, 48 किलोमीटर की 3 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की 3 घंटे में तय करता है, तथा धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर की यात्रा 56 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में तय करता है। धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। वास्तविक चाल का मतलब बेटा क्या होता है? 7 जल में, अभी तो उसकी वास्तविक होगी, बाकी तो धारा के विपरीत जाएगा तो घट जाती है, और या फिर ऐसे को कि वो क्या करती है, उसका विरोध करती है, घट जाती है, धारा के साथ जाता है तो जुड़ जाती है। मेन कौन सी उसकी वास्तविक वाली? बीच वाली, ये निकालनी है। जो ये बता दी तुमको, अर्धे की निकालनी क्या है, अब तो आंसर तुम तेजी से बता दो। एक ऑप्शन ये भी है, रिवर्स है, कोई नहीं।
चेक कर लेंगे। तो नायरा मान चेक कर लेंगे क्या क्या देखते हैं, ये अड़तालीस क्या है, चाल है, चाल है, चाल अड़तालीस। हिंदी पढ़नी आती है पढ़ना आती क्या सुन अड़तालीस का दूरी है कितने चाल है दूरी बेटा किया ठीक है, हमने सही आना चाहिए, काटा पीटी बस सही करी है। ये वाला यहाँ लिखना चाहिए, ये वाला यहाँ गलती, हाँ हाँ ये ढेर आता है, ये गाड़ा जाना उम्मीद लग रहा है ठीक होगा आपका, जोड़ना ही सही, हाँ ये बराबर सुना बड़ा डायग्राम बना, मरता हूँ डायग्राम क्यों बना रहे सही से बना, जिंदा डायग्राम बोले मैं यहाँ हूँ, कितना है चलो कितना आ रहा है रोक कितना रहा है तो बेटा पहले तो ऐसे लिखना चाहिए है ना, ऐसे लिखना चाहिए जैसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना जैसे बता रहे। तो बेटा पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो हिंदी में, बहुत सारे लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो पहले सीखो एक लाइन में पढ़ो, एक एक की धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब यहाँ का विरुद्ध, कितना जा रहा है बेटा 48 किलोमीटर जा रहा है, कितने समय में 3 घंटे में, तो दूरी दे रखी होता है बेटा, समय को क्या निकल जाएगा दूरी बटे समय क्या होता है 4, काटो तो बेटा कितना आ जाएगा 16, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितनी आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ही धारा के अनुकूल बेटा कितना जा रहा है वो 56 किलोमीटर कितने घंटे में 2 घंटे में, काटो बेटा 2 × 4 = 16 कितनी आ गई, अनुकूल वाली चाल आ गई थी तो एक ही बार में मौकी भी आ सकती थी, प्रतिकूल वाले भी आगे कौन सी यदि मौकी आ सकती थी, निकालना क्या है वास्तविक चाल किसकी, उस आदमी की मतलब कौन सी वाली सांत जल वाली, तो बड़ी वाली निकालने की छोटी वाली एक क्या होगा, एक तो बेटा इसमें धारा का वेग भी तो होगा, तो भाई धारा का वेग तो छोटा होता है इस जल में, नाव की चाल क्या होती है ये बड़ी वाली होती है, तो बेटा बड़ी वाली निकालनी तो प्लस से निकालो या माइनस से, प्लस से तो इन दोनों को जोड़ो क्या कर लोगे 28 + 16/2 जोड़ो तो कितना आ रहा है 44/2 काटा पीटी बताओ कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गई स्थिर जल में नाव की चाल। अगर यहीं पर हमसे ये पूछ लेता भाई कि धारा का वेग बता दो, धारा का वेग तब बेटा क्या करते हैं, तो कुछ नहीं तो घटा देते 28 से कितना घटाते 16/2 कितना निकलते 2 बता कितना आता ठीक, तब आ जाता बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाकी भी हम बता रहे हैं यहाँ पर 22 करने 22 में कितना जोड़ 28 हो जाए 6, भाई अगर यहाँ पर 22 कर दूंगा मैं तो 22 में कितना जोड़ के 28 हो जाए 6, तो अगर कोई दोनों पूछता तो हम दोनों फटाफट से निकाल सकते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन किए हैं बोल लीजिए क्वेश्चन किए हैं, पर वो यहीं पर किए थे क्लास में, उसके बाद में देखा था कि नहीं इतना समय किसके पास है, तो जो लोग जैसे कुछ लोग बहाने बनाते हैं ना कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम मैथ क्यों पढ़े, रियल वो बहाने तो थोड़ी बना रहे हैं, वो उन चीजों से भाग रहे हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे अपने स्टार्टिंग बहुत सारे लोग थे आपको बताइए लगभग 120 लोग थे है ना, तो वो इसलिए भाग गए कि मैथ पढ़ रहा है, मैथ हमारी यूपीएससी में कहाँ आता है, तो रियलिटी है ना यूपीएससी का हिस्ट्री का पेपर लिख पाए तो लिख नहीं पाएंगे, पूछो क्यों उसमें
में तो मैच चलता है डेट वाइज, कौन सी डेट में क्या हुआ था पूरा सिस्टम तुम बताओ तभी तो कर पाओ। तुम ले 2000 में गांधी जी का जन्म हुआ 1958 में। किसी को अगर आंसर नहीं आया तो पूछ लेना क्या सवाल हुए। तो बेटा आई देखा तुमने गलती गलती बोली। देखो चार बराबर क्या बात था दो बटे डायग्राम बना के लेंगे जो जो दे रहे हैं इसी पर लोग कनेक्ट कराएंगे। प्रतिकूल दूर जा रहा है 48 किलोमीटर कितने घंटे में। तो बेटा यहां चार निकालो तो चार होती है चार बराबर दूरी बटे समय। दूरी 48 समय कितना है 3। 3 के 12 काटो तो 16 दिन कितने होते हैं 48। ठीक थोड़ा आगे यहां पर ऐसे ही अनुपम की दूरी जा रहा है 56 किलोमीटर दूर जा रहा है कितने घंटे में 2 घंटे में। तो बेटा चार निकालेंगे दूरी बटे समय 2 से भाग करेंगे कितना है 2 * 4 बचा 1 कितना हो गया 16 2 * 16 तो एक अंक को अनुकूल वाली चाल मिलेगी और कौन सी मिल गई प्रतिकूल वाली। पूछ क्या रहा है उस व्यक्ति की वास्तविक चाल वो कौन सी होती बेटा स्थिरचर वाली मतलब ये बड़ी वाली निकालनी है। ठीक तो क्या करेंगे निवाई निकाले हम फार्मूले भी निकालते स्टार्टिंग में बताया था कि भूल जाओ तो फार्मूले पर देखते ना तो इन दोनों का योग करके पता चल गया आ रहा इन दोनों हमने जोड़ा कितना हो गया 44 बटे कितना बन गया 2 2 से काट दो 2 * 4 फिर 2 * 4। ठीक अगर आपसे पूछता कि धारा का वेग बताओ और ये वाला ना पूछता होता तो आता नहीं पहले इसको निकालते फिर इसको निकालते जो पूछेगा वो निकालते कितना समय लीजिए। तो अगर ये पूछता कि धारा का वेग तब कोई मान नहीं इसमें से इसको घटा देंगे बड़े वाले बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे घटा दो कितना जाएगा 12 उसका आधा करके कितना जाएगा 6। इसलिए दोनों से निकलवा देंगे कोई एक पूछता तो ये पूछता दो में से। ठीक है बाकी कुछ जनता बताएगी औसत चाल कितनी है अगर निकालो पूछ ले औसत चाल बताओ फिर दो तरीके हैं कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी जोड़ लो बटे कुल समय बताइए 3 घंटे वहां 2 घंटे वहां भाग करते आंसर आ जाएगा। भाई ये तुमने पढ़ा है उत्तर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय तो इसमें दूरी दे रखी है तो फायदे फायदा है। अब बच्चा पूछता तो कुल दूरी जोड़ लेते हैं बटे कुल समय से भाग करते कर चले जाती हमारी औसत चाल। ठीक अब घर पे जाके ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं क्या करें डबल साइकिल वाले डबल साइकिल कौन से डबल साइकिल वाले 3 क्वेश्चन कराएंगे अब नहीं कराएंगे। अगला क्वेश्चन लिखना है मैडम देखो एक व्यक्ति बहाव के साथ एक व्यक्ति बहाव के साथ एक व्यक्ति बहाव के साथ है बहाव नहीं हुआ है बाद में बहाव ही साथ नदी में 3 घंटे में नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में और 7.5 घंटे में एक व्यक्ति नदी के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है सांत जल में उसकी गति क्या है
सात जल में उसकी गति क्या है? सात जल में उसकी गति क्या है? सात जल में उसकी गति क्या है? करो फटाफट इसके बाद आपको नुकसान होगी। आ गया किसी का मतलब जाने में तो समय लगा है 3 घंटे 15 घंटे कह रही बताओ बोलनी पड़ेगी तेरे से 3 घंटे वापस आने में सात आंसर आ गया आंसर आ गया। अब आगे तुम्हारा मन कैसे कैसे आ रहा है दिखाओ। दिखाने की क्या बात है? फॉर्म डाल दी बाकी जिन लोगों पुलिस के फॉर्म डालने थे बाद में साइड वाइड बिजी हो जाए फिर वो दिक्कत चल गए सबके जिनको डालने हैं बेटा। वो ऑप्शन लगे कौन सा आंसर आ रहा है? 3.5 करो राजेश कितना आ रहा है वो क्या है तो क्लास भी रहना है कितना होता है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बता
जिनने बताया था बिल्कुल ठीक बताया था, और जिनने बिना किए बताया था उन सर प्रोजेक्ट कोई है नहीं। देखो एक ही जैसे क्वेश्चन है, हर किसी लैंग्वेज बदलती मैथ में, अगर मैथ में एक तो फायदा है आपने अगर सीख लिया तो क्वेश्चन फाइव लैंग्वेज बदल देगी, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, करने का तरीका वही रहेगा। देखो इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो आपने जब रहा, बस खाली डायग्राम बनाना होगा आपको उसके क्वेश्चन। आया ना सर, क्या हुआ क्या
हाँ तो क्या होगी तबला बजा दी गए हम आ जाएंगे इतनी बार लिखवाए डायग्राम पे तीन तीन बार लिखवाए कैसे भी करे आप बिल्कुल समझ जाओगे साथ पानी और वाला पानी करते हैं लिख ही नहीं पाए पहले मामू का ये होता है उसको उतारना है मामू का नहीं डालो रनिंग वनिंग करोगे तो कुछ लोगों की हाइट खींचती है कम किसी की नहीं होती फिलहाल बढ़ती है हाँ खींची जाओगे तुम लोग घिस काम होते भाई सेम क्वेश्चन है देखो फिर से वैसा ही दे दिया है सही तो कर रहे हो आगे थोड़ा दिमाग तो लगाओ ये इतना ये 5 बज का स्थान की धारा निकाल देते हैं तुक्का नहीं लगाना है दिखाओ आंसर आए तुक्का नहीं मारना है आंसर ये इधर लिखे हैं 1 घंटा 30 मिनट 45 मिनट 2 घंटा 30 मिनट 3 घंटा तुक्का किसी को नहीं मारना है आंसर बताना है तुक्का मारने के लिए पेपर मिलता है ना तीन किस का आ रहा है काजल का और पलक का और पलक का नौ किस का आ रहा है नौ है इसमें ऑप्शन धारा कितनी कहां पर यहां पर आएगी यहां पर आएगी कितनी
5 किलोमीटर प्रति घंटे बस। आप फिर से बताना, इधर देख के बताओ, हमको पता है कि ऊपर झूलता है और नीचे घटता है। अब आप बताओ यहाँ पर कितना आएगा? 10। अब बताओ 5 में कितना जोड़ेगी? 15 हो जाए। 10 बस तो 10 होगा बेटा यहाँ पर, तो प्रतिकूल कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया। क्या पूछ रहा है? कौन सा समय? अगर कहीं दूरी या तारा के प्रतिकूल जा रहा है तो क्या निकालना है? समय। दूरी कितनी है? 15 की बदल गई? नहीं है। दूरी आपको पता, 4 प्रतिकूल वाली आपको पता, तो समय निकल पाओ तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी है 15, 4 कितनी बेटा? 5 काटा बिटी बताओ कितना आ जाएगा? 3 घंटे। 3 घंटे सही है ना? 15 निकलता है। हमने 12 निकलता है। सर ये दूरी 15 कैसे मानी है? कौन सा पढ़ना है? भैया 15/5 लिखा है, 5 से काटो, 5 की पता नहीं हुए समझ में किया? तो वही व्यक्ति नहीं है उतनी क्या आएगा है? वही व्यक्ति उतनी दूरी, देखो धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी, बार 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 फोकस के किया है। तो उस व्यक्ति को
तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर जाने में कितना समय लगेगा? अगर इसका आंसर नहीं है तो जैसे समझा ना उसका कुछ नोट नहीं करना है ना, पता से चलता है। बताओ यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो
यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। लग जाओ आपके तेजी से आंसर आने चाहिए। तो बेटा इसमें क्या दे रखा है, सिर्फ एक धारा की गति दे रखी है और क्या दे रखी है, धारा का क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, धारा का वेग, धारा की गति बात देखती है, कुल दूरी दे रखी, कुल समय भी दे रखा है, कुल दूरी और कुल क्या दे रखा है, कुल दूरी कितनी है, समय कितना दे रखा है, तो क्या चीज छह में से चार कितना बचेगा, दो,
ठीक है, यहाँ पे समय निकाल लें। जब बेटा यहाँ पर हम लोग समय निकालेंगे तो समय आपको पता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल काटा बटे उनका कितना 3 घंटे, तो ये तो वैसे गलत। टोटल कितना समय लग रहा है 2 घंटे, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 घंटे, तो वापस ही आने में आ रहा है प्लस 0.6 घंटे जाने में लग रहा है, तो ये तो क्या होगा वैसे गलत हो गया। ठीक, तो 6 तो आंसर नहीं है। अब ये आप मौखिक करते हैं, हम ये बता रहे हैं आप कर करके, ये आप क्या कर सकते हो मौखिक। अब रखते हैं किसको, 8। चलो 8 और 4 8 में 4 है 12 समय दूरी तो बही रहेगी, इस बार चाल कितनी होगी 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 या फिर क्या है आधा मतलब 0.5। अब बेटा यहाँ पर कितना आ रहा है 4, तो इस बार की क्या है इस बार भी समय हम लोग निकालेंगे, तो बेटा इस बार समय क्या होगा दूरी बटे काटो कितना 1.5 घंटे। तो देखो यहाँ पर आधा घंटा लग रहा है और 1.5 घंटे कहाँ पर लग रहा है यहाँ पर, टोटल जोड़कर देखो कितने घंटे आ रहे हैं 2 घंटे, तो मौसम यही लग रहा है। फिर से देखो यहाँ पर कितना समय लग रहा है आधा घंटा, यहाँ पर कितना समय लग रहा है 1.5 घंटा, टोटल कितने हो जाएंगे 2 घंटे, तो मौसम यही तो कह रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा। बाकी हम तो सबसे पहले कौन कौन सा ऑप्शन रखते हैं, जो ऑप्शन पूरे पूरे दे रहे हैं, पूरे का मतलब पॉइंट वाले नहीं, जो सीधे हमारे पूर्णांक दे रहे हैं। बाकी एक बार करके नहीं करते तो बहुत समय लग जाता है, उससे ज्यादा बेटर है कि ऑप्शन चेक करेंगे तेजी से। एक करके चेक करते हो वैसे ही बन गया ऐसे, तो हम भी तो बता दें शॉर्टकट में कि 4 × 8 आंसर है। तीन पॉइंट पांच दूरी जानी है 6,
तीन दूनी छह, मतलब दो घंटे से ज्यादा है तो हटाव नहीं होगा। इसको रख के देखो कितना बचेगा, 6.8 में 4 हटाओ तो 2.8, 6 जाना है तो ये भी क्या हो जाएगा समय ज्यादा, समझ गए बात को। 6 रखा लास्ट में आके, 6 में से 4 हटा कितना बचेगा 2, 2 3 6 3 घंटे 11 बजे गलत हो गया, और बचा 8 बचा, 8 एक बार चेक कर देखेंगे, 8 में 4 कितना बचा 4, देखा भाई 6 बटे 4 दिया, डेढ़ घंटा आ रहा है, मतलब एक बार और चेक कर ले, हो सकता है आपको आधा घंटा बचा और ऊपर वाले का आंसर आधा घंटा आ रहा है तो आंसर आ जाएगा 8 4 12, 6 बटे 12 मतलब आधा, ठीक है आधा तो ये क्या होगा अपना, ठीक। बाकी एक बार और बताएंगे दो तीन क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि उस पर एक्स लेके आएंगे हम लोग, एक्स वाला भी चिंता करो दो साल में आता है वो भूल जाते हैं, जो लोग मैथ होते हैं वो एक्स का एक्शन में आ जाता है, जो बेचारे आ रहा है बोलते हैं एक्स प्रति घंटा हो और स्थिर जल में नाव की गति चार किलोमीटर प्रति घंटा हो और स्थिर जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। लिखना था क्या, पूछ लो ना, लिख पाओ कहीं पर तो
दुनी बारह बारह यार छः दुनी बारह बारह लाशा लाशा ले लो तो आंसर छिनाया भाई लाशा लाशा नहीं ना है छोटा वाला मेरे छोटा वाला है छः एक कम छः क्या देखो छः दो से कट रहा है कट रहा है तो लाशा कितना हो गया छः अगर नहीं करता फिर देखते छः दूनी बारह कोई दिक्कत नहीं अगर बारह भी लिखोगे तब भी आंसर सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई जितना बड़ा करोगे तो बारह उतने ज़्यादा जाएगी वो कट जाएगा बात वही हो जाएगी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अब बताने के ऐसा मतलब नहीं कर रहा है अभी का मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या कैसे रखा है ये कितनी बेटा चार ये कितनी है दो आप कुछ नहीं बताने चार दो छः दो दो क्या लेना है इनका लाशा लाशा क्यों लेंगे अच्छा क्योंकि कुल दूरी दे रखी है कुल समय मतलब कुल समय दे रखा है जब पूछ रहा है कुल दूरी तो इनका लाशा वो बेटा कितना आ जाएगा छः छः कम छः दो तिया छः औसत चार बराबर क्या होता है अब लिखेंगे नहीं कुल दूरी बटे कुल समय तीन और एक चार कुल दूरी कितनी है जब पूछ रहा है कुल समय कितना लग रहा है चार घंटे का बताना कुल समय कितना लग रहा है ये काम हो रहा था कि चार घंटे का समय लग रहा है अगर नहीं लिख पा तो पूछ लिया चलो अब इससे ये वाला क्वेश्चन फिर से बताना है मुझे दूसरे में पता है इसमें और एक तरीका कौन सा है कि x मान लेते हैं पहले वाला क्वेश्चन ठीक तो ऊपर कितना हो जाएगा x प्लस चार और नीचे बट बेटा कितना जाएगा x माइनस चार ठीक है दूरी कितनी है भाई दूरी कितनी है भाई छः अब हम क्या निकालना है समय समय बराबर होता क्या होता है दूरी बटे चार समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चार ठीक है दूरी कितनी है दूरी यहाँ भी कितनी है छः किलोमीटर और बेटा यहाँ की दूरी कितनी है छः किलोमीटर तो यहाँ पर अगर हम समय निकालें तो क्या होगा दूरी बटे चार कितनी बेटा एक्स प्लस चार प्लस तो कुल समय कह रहा है तो बढ़ेगा नीचे भी दूरी कितनी है छः चार कितनी एक्स माइनस चार और कुल समय कितना लग रहा है बेटा दो ठीक है हमने देखा छः क्या आ जाएगा हमारा कॉमन क्या क्या बचा एक्स प्लस चार प्लस वन बटे एक्स माइनस फोर बराबर ठीक है अगर हम लोग करेंगे तो छह खाते जाए इसके बटे में छह खाते जाए बेटा इसके बटे में यह बनता दो कम दो दो तीन तो बेटा अब इसको यहाँ जाएगा तो बटे पहुंचे बेटा एक बटा तीन लिखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दो इसकी गुणा इससे इसी गुणा इससे बचपन में सीखा होगा एक्स माइनस चार प्लस एक्स प्लस चार बटे एक बार जोड़ और एक बार घटाओ ये बताना किसका फार्मूला है एक बार प्लस एक बार माइनस बटे एक बटा सी ऊपर देखो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है या क्या हो रहा है सब देखते हैं चार से चार एक्स एक्स कितना हो जाएगा बेटा दो एक्स नीचे एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाए बेटा फार्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी अब इसी गुणा इससे इसी गुणा इससे बचपन में सीखा था क्या जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस सोलह बराबर तीन दूनी छः अब इसको जल्दी आओ बेटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स माइनस सोलह बराबर क्या जी अब ये कौन समीकरण बन गई दो भाग समीकरण अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व इसलिए ऐसे नहीं बताते थे और समझता था ठीक अगर तुमको तो नहीं आती पर हमको तो पता है जिन्हें मैथ नहीं पढ़ा हमको नहीं पता कैसे सॉल्व करेंगे तो जितने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आठ में सात में सोलह के ऐसे घंट करो बेटा घटाने पर कितना है फिर से एक बार बोलो सोलह के ऐसे घंट घटाने पर कितने आए बताओ आठ दूनी सोलह आठ दूनी सोलह तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स माइनस आठ एक्स प्लस दो एक्स माइनस सोलह बराबर जीरो अब क्या करते हैं कितना कॉमन लेंगे बेटा एक्स तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे बेटा क्या बचेगा एक्स माइनस
प्लस क्या काम होगा, दो कितना हो जाएगा एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। तो कैसे लिख देते हैं बचपन में, एक्स माइनस आठ और एक्स प्लस दो और बराबर क्या लिख बेटा जीरो। अब चेक कर लो एक्स माइनस आठ बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आठ, एक आंसर ये आ गया। दूसरा एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना माइनस का दो, ये हो नहीं सकता। छोटा वाला करके देखा तो इस बार बड़ा वाला करके देखो, दो बार पता चल जाएगा कौन सा होने वाला है। ठीक, पहले अगर बड़ा वाला रख लिया तो समझ जाएंगे छोटे वाले तो ऑप्शन कैसे नहीं होंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, क्वेश्चन नहीं कराया था, ऐसे नहीं करेंगे। वैसे बताया था क्वेश्चन आ जाए तो फटाक से वैसे ही ऑप्शन चेक करके तुरंत आंसर कर देंगे। तो नहीं, बेसिक बेसिक तरीका ये होता है। चलो तो आज की सेवा सम्पन्न हो गया, हो गया टाइम, लेट तुम आए थे, हम लोग नहीं है ना। कितने बजे आए थे?